शुक्रवार को जहां एक तरफ लोगों ने मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिवरात्रि मनाई, वहीं समालखा के किसानों ने समालखा से लेकर सिंधु बॉर्डर तक कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा के लिए सैकड़ों किसान समालखा के रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हुए, जहां से किसान खेतों की मिट्टी व ट्यूबवेल का पानी लेकर सिंधु बॉर्डर के लिए ट्रैक्टरों व बाइकों पर निकले। सैकड़ों किसानों को इकट्ठा हुए देखकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। वहीं किसानों ने बताया कि आंदोलन को 8 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अन्नदाता अभी भी सड़कों पर ही बैठा है, इसलिए सिंधु बॉर्डर पर ही शिवलिंग बनाया गया है, जिसमें सभी किसान अपने खेतों की मिट्टी और ट्यूबवेल का जल लेकर सिंधु बॉर्डर पर ही शिवरात्रि मनाएंगे। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कानून बिल वापस नहीं होंगे, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये सभी किसान हैं और आज शिव शंकर भगवान का नाम लेकर ये सभी किसानों को ही अपना अन्नदाता को अपना भगवान मानकर उनको पूजने के लिए गांव जोरासी और समालखा से कावड़ लेकर जल लेकर सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे और उन्हीं को अपना भगवान मानकर वहां पर जल लेकर जाएंगे। कितने किसान आपके? हजारों की संख्या में किसान आज यहाँ से जाएंगे। सबसे शुभ दिन है शिवरात्रि का, भगवान भोले शंकर जी का। दूसरा, किसानों का आंदोलन 8 महीने से कुंडली बॉर्डर पे चला हुआ है। किसानों का जो आंदोलन है अब ये तीव्र गति पकड़ चुका है। आज हरदरा समालखा से सभी गांव किसान, बुजुर्ग, नौजवान साथी, खालसा किसान आर्मी सेना के सदस्य यहां से अपने अपने खेतों में से मिट्टी और जल लेके आए ट्यूबवेल से। ये जल कुंडली बॉर्डर पे किसानों के पास जाकर वहां जाकर भोले शंकर के शिवलिंग पर मिट्टी भी चढ़ाई जाएगी और जल भी चढ़ाया जाएगा। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज शिवरात्रि भी है, शिवरात्रि की सबको लख लख बधाइयां भी देते हैं हम, और अब हम जाने की तैयारी में हैं। जय जय किसान। सौ वर्षों से विश्वसनीय इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।